ई जो है ये एक ऑयलर नंबर होता है और ये एक ट्रांसीडेंटल नंबर होता है। और ट्रांसीडेंटल नंबर क्या होता है? जो अल्जेब्रिक नहीं होते। तो फिर अल्जेब्रिक नंबर्स क्या होते हैं? अल्जेब्रिक नंबर्स या अल्जेब्रिक इक्वेशन की तीन कंडीशंस होती हैं। एक तो आपकी इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, दूसरा आपकी इक्वेशन पॉलिनोमियल होनी चाहिए, तीसरा आपकी इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं वो रैशनल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक इक्वेशन है, अगर आप इस इक्वेशन में एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो x की पावर जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आपकी इक्वेशन जो है वो पॉलिनोमियल है। और अगर आप इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स देखें तो वो रैशनल है, तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एक अल्जेब्रिक इक्वेशन है और x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 एक अल्जेब्रिक नंबर है। ठीक इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एक अल्जेब्रिक इक्वेशन है और x इज इक्वल टू आयोटा एक अल्जेब्रिक नंबर है। और इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एक अल्जेब्रिक इक्वेशन है और x इज इक्वल टू फाई एक अल्जेब्रिक नंबर है। फाई को हम मैथमेटिक्स में गोल्डन रेशियो भी बोलते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1.618 अप टू 100 और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर होता है।